दोस्तों, इस नवरात्रि आपको आम के पत्ते भी बना सकते हैं करोड़पति। यह कोई नहीं जानता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा टोटका, एक बहुत ही प्राचीन टोटका है दोस्तों, आम के पत्तों का, जो कि गुरु गोरखनाथ जी ने किया था, जिसे कर वह भी धन को बहुत ज्यादा पा सके। तो दोस्तों, हम उसी टोटके के बारे में आज आपको बता रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं। आम के पत्ते आपको लेना है, अगर आम के पत्ते आपको नए वाले मिल जाए, जो नए पत्ते होते हैं आम में, मोर आते हैं गर्मियों के दिनों में, वो पत्ते मिल जाए आपको, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, जे वाले पत्ते आपको मिल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, याद रहे कि पत्ते कोई भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, पत्ते बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए, यानी साफ होने चाहिए। दोस्तों, आपको पांच पत्ते तोड़ के आम के पत्ते तोड़कर ले आना है नवरात्रि में, और दोस्तों अपने माता के मंदिर में रख देना है, जहां दुर्गा की मूर्ति स्थापित हो या चित्र कोई भी हो, माता के मंदिर में रख देना है, और 51 बार एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम दुर्गे ह्रीम क्लीम महादेवी धन देहि देहि नमः स्वाहा। इस मंत्र को आपको 21 बार जप करना है। दोस्तों, जैसे ही आप यह करेंगे, इतना कार्य, आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, और रोग बाधाएं भी होगी दूर, और धन की कमी भी पूरी होगी। दोस्तों, तो कमेंट में हमें जय माता दी जरूर लिखें, एक बार जरूर करें इस टोटके को। जय माता दी।